हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास सेकेंड. स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द आंट एंड द ग्रासहॉपर. यानी कि ये जो कहानी है वो एक चींटी और एक टिड्डे की है. तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टोरी में क्या है. इट वॉज़ अ ब्राइट डे इन समर. अ ग्रीन Little grasshopper was hopping around merrily in a field. It was chirping and singing to itself without a care in the world. Soon it saw ant passing by. The ants were dragging home grains with great difficulties. यानी कि यह बहुत ही तेज गर्मी वाला दिन था और एक छोटा सा टिड्डा था, वो उछल रहा था खुशी से खेतों में इधर उधर फील्ड में. तो उसने चिरपिंग यानी कि धीरे से आवाज़ निकालना, चिरपिंग होती है चहचाना, तो उसने धीरे से आवाज़ निकालना स्टार्ट किया और वो गाने लगा बिना किसी चिंता के. यानी कि किस संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे क्या करना है, वो उसे कोई भी चिंता नहीं थी. यानी कि बिना बेफिक्र होकर वह गा रहा था और उसने चींटी को गुजरते हुए देखा और देखा कि चींटियाँ जो हैं बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ के साथ वो जो अनाज होते हैं उनको खींचते हुए ले जा रही हैं. यू सीम्स टू बी वर्किंग वेरी हार्ड, वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, सेड द ग्रास हॉपर टू वन आंट. वाई डोंट यू एंजॉय द ब्राइट समर्स डे. ग्रास हॉपर ने कहा कि तुम बहुत ही कठिन परिश्रम करती हुई, बहुत ही कठिन कार्य करती हुई नज़र आ रही हो और तुम मेरे साथ आके बातें क्यों नहीं करती हो, और तुम मेरे साथ ये जो ब्राइट समर का जो दिन है वो क्यों नहीं इन्जॉय करती हो, उसका आनंद क्यों नहीं लेती हो. आई एम हेल्पिंग टू स्टोर फूड फॉर द विंटर, सेड द आंट. यू शुड ऑल्सो डू द सेम. यानी कि चींटी ने कहा कि मैं सर्दियों के लिए खाना सुरक्षित कर रही हूँ, खाना संग्रहित कर रही हूँ, उनको खाने को इकट्ठा करके रख रही हूँ और तुम्हें भी ये करना चाहिए. Why bother about winter? Said the grasshopper. We have got plenty of food now. But the ant went on its way doing its work. लेकिन grasshopper ने कहा कि सर्दियों की क्या चिंता करना, हमें तो खूब सारा खाना मिल चुका है. लेकिन जो चींटियाँ थी वो अपने काम को करते हुए गुजर गई, अपने काम को करते हुए वो चली गई. When winter came, the grasshopper had no food and found itself dying of hunger. The ants happily ate up the grains from the store they had collected in the summer. Then the grasshopper knew why the ant had worked so hard on a bright summer's day. यानी कि जैसे ही सर्दियाँ आई तो ग्रास ऑपर के पास यानी कि टिड्डे के पास कोई भी खाना नहीं था और वह खाने के लिए मर रहा था. तो लेकिन जो चींटियाँ थी उनके पास तो खाना था, उन्होंने तो अपना बहुत सारा खाना इकट्ठा करके रखा था, बहुत सारा अनाज इकट्ठा करके रखा था, तो वो उस अनाज में से खाना निकाल कर खाती रही. तो फिर ग्रास ऑपर को पता चला कि चींटियों ने इतनी तेज़ गर्मी में इतना हार्ड वर्क, इतना कठिन परिश्रम क्यों किया. तो इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी भी चीज़ को मन लगा के करना चाहिए, कठिन परिश्रम के साथ करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे साथ आगे क्या होगा और हमें क्या पता कब उसकी ज़रूरत आगे पड़ जाए. तो स्टूडेंट्स, हमने इस स्टोरी में कुछ मीनिंग्स पढ़े थे, तो चलिए उनको देख लेते हैं. मैरिली, मैरिली यानी कि हैप्पीली, एकदम खुशी से. चिरपिंग, मेकिंग अ शॉर्ट हाई साउंड. चिरपिंग मींस होता है चहचाना, एक आवाज़ निकालना. जैसे आपने चिड़िया को देखा ना ची 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 करते हुए, ऐसे टिड्डे की भी आवाज़ होती है, उसको बोलते हैं चिपिंग, चिरपिंग. ड्रैगिंग, ड्रैगिंग मींस होता है पुलिंग समथिंग विद डिफ़िकल्टीज़, किसी भी चीज़ को मेहनत से खींचना, उसको कठिनाई के साथ एकदम से खींचना. जैसे कहीं स्टूल रखा होता है ना, फिर आपको कोई या फिर कोई भारी सामान रखा होता है, आप उसको खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रैगिंग. चैट, चैट मींस होता है बातें करना, टॉक, चैट करना. बॉदर, बॉदर मींस होता है वरी, चिंता करना, परेशान. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू.